गाइज वेलकम बैक टू एडुफन। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार फिजिक्स का टॉपिक यानी लेंस फार्मूला, उसका हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इजी डेरिवेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ये इतना इजी डेरिवेशन होगा कि आप इसको एक ही बार में आपको ये याद हो जाएगा और आप कभी भी इसको भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन की और देखते हैं कि कैसे ये डेराइव होगा। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले लेंस फार्मूला पता होना चाहिए कि लेंस फार्मूला कहते किसको हैं। तो हमको पता है कि जो लेंस फार्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब ये जो फार्मूला है इसमें f का मतलब होता है फोकल लेंथ, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हम लोग को ये निकालना है कि ये जो 1/f = 1/v - 1/u, आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2f पर खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट की इमेज इधर से रे ऑफ लाइट्स आती हैं और फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से इधर इमेज बनती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जो कि है ए ओ और बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड। अब इसी की तरह यहाँ पे अगर आप एक ट्रायंगल देखेंगे तो वो बनेगा ए डैश ओ और बी डैश। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में गौर से देखें तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, वो इस वजह से क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश ओ ए डैश। वो कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह यहाँ पर ये हम लोग को दिख रहा है कि दोनों एंगल यहाँ पे राइट एंगल बन रहे हैं, यानी ये 90 डिग्री के हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश ओ, वो क्योंकि बोथ 90 डिग्री। और वो 90 डिग्री इसलिए हैं क्योंकि हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है और ये जो इमेज बनती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब हम लोग को ये पता चल गया। तो अब हम लोग को पता चल जाएगा कि जो ट्रायंगल यानी ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी, तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश के। तो हम लोगों को पता है कि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, तो उनमें से एक क्राइटेरिया होता है ए क्राइटेरिया, यानी अगर आपके दो एंगल इक्वल हैं तो फिर ट्रायंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो हम लोग का ये एक पहला बन चुका है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं बाय CPST कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हम लोग को पता है कि ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश वो इक्वल होंगे किसके, ए ओ अपॉन ए डैश ओ। यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करनी है कि न्यूमरेटर में अगर हम लोग इधर साइड यानी हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल लेंगे तो फिर इधर साइड भी यानी इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी हम लोग न्यूमरेटर में लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ट्रायंगल है उसी के पार्ट्स हम लोग लेंगे। तो हम लोग को इतना पता चल गया। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि हम लोग को पता है कि जो ए ओ है ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो हम लोग लिख लेंगे वी नो डैट ए ओ इज इक्वल्स टू माइनस यू। फिर इसी तरह हम लोग को ये भी पता है कि जो ए डैश ओ है वो क्या है, ए डैश ओ ये हमारा इमेज डिस्टेंस है। और इसी तरह हमारा जो ए बी है यानी ये ए बी और ये ए डैश बी डैश, तो हमारा क्या है, ये जो ए बी है ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हम लोग इसको एच लिख सकते हैं। और जो हमारा ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश ये हम लोग का हो जाएगा माइनस एच डैश यानी इमेज डिस्टेंस यानी इमेज साइज़।
तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि मैं साइज़ भी हम लोग निगेटिव में लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग इसको अगर रिप्लेस करें तो ए बी की वैल्यू हमें पता है एच है, तो यहाँ पर हो जाएगा एच अपॉन में माइनस एच डैश, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो ए ओ यानी माइनस यू अपॉन में वी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए डैश ओ की वैल्यू वी है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये है हमारी पहली इक्वेशन। अब इसी तरह अगर हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, तो अगर हम लोग गौर से देखें ये ट्रायंगल एक्स ओ एफ को और बी डैश ए डैश एफ को, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एक्स ओ एफ एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ, तो हम लोग को क्या पता चल रहा है, ये जो एंगल एक्स एफ ओ है ये इक्वल है एंगल ए डैश एफ और बी डैश के, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल एक्स एफ ओ वो बराबर होगा एंगल एक्स एफ ओ वो बराबर होगा बी डैश एफ ए डैश, तो ये दोनों हमारे एंगल बराबर हो गए। इसी तरह यहाँ पे एंगल एक्स ओ एफ वो बराबर होगा बी डैश ए डैश एफ के, तो एंगल एक्स ओ एफ वो बराबर होगा एंगल बी डैश ए डैश और एफ के। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे और ध्यान से देखें, तो जो चीज़ हम लोग को यहाँ पर मिल रही थी वही चीज़ हमको यहाँ पर भी मिल रही है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाय ए ए क्राइटेरिया जो हमारा ट्रायंगल एक्स ओ एफ है वो बराबर हो जाएगा, सॉरी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ के। तो जैसे हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव किया था, उसी तरह हमने इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर प्रूव कर लिया। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सीपीएसटी का यूज़ किया था वहाँ, इसी तरह अब हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, और अब हमारा हो जाएगा, अब अगर हम लोग गौर से देखें तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी हमको क्या बता रहा है यहाँ पे कि बाय सीपीएसटी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ओ एफ वो बराबर होगा ए डैश के और एक्स ओ बराबर होगा हमारा बी डैश ए डैश के, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एक्स ओ अपॉन बी डैश ए डैश वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ओ एफ और ए डैश एफ के, तो यानी ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। तो अब ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। अब हम लोग को यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे जो अभी हमने यहाँ पर किया था। हमको पता है कि जो एक्स ओ है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो कैसे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ए बी जितनी डिस्टेंस ए बी की है उतनी ही डिस्टेंस एक्स और ओ की है, क्योंकि ये वाली रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो ओ है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस में और जो ए है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस में, तो जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वो भी हमेशा इक्वल रहती है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि जो एक्स ओ है वी नो डैट एक्स ओ वो बराबर हो जाएगा एच के, और जो हमारा ए डैश बी डैश था यानी एक्स ओ हमारा एच के बराबर है और हमारा बी डैश ए डैश वो बराबर है माइनस एच के, माइनस एच डैश के। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो ओ एफ है वो हमारी फोकल लेंथ है, तो हो जाएगा ओ एफ वो बराबर है फोकल लेंथ के। और अगर हम लोग अब हमको चाहिए ए डैश एफ, तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो यहाँ पे आ रहा है वी, और वी में से अगर हम लोग फोकल लेंथ हटा दें यानी ओ ए डैश माइनस ओ एफ वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा निकल के आ जाएगा ये वाली डिस्टेंस यानी एफ ए डैश, और हमको एफ ए डैश ही चाहिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा एफ ए डैश वो बराबर हो जाएगा वी माइनस एफ के। यहाँ पे देखिए ये टोटल हमारी डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस में से अगर हम लोग ये वाले डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी यानी एफ ए डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए डैश। इसी तरह हमारा हो जाएगा एफ ए डैश वो बराबर हो जाएगा वी माइनस एफ के। अब हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा एक्स ओ यानी एच अपॉन में माइनस एच डैश वो बराबर हो जाएगा ओ एफ यानी f अपॉन v माइनस एफ के, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं और इक्वेशन सेकंड को देखते हैं, तो यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे h अपॉन h डैश
माइनस एच डैश, और यहाँ पर भी एच अपॉन माइनस एच डैश, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एच अपॉन में माइनस एच डैश वो बराबर हो जाएगा माइनस यू अपॉन वी के, और ये बराबर हो जाएगा एफ अपॉन वी माइनस एफ के। अब हम लोग को ये मिल गया, यानी माइनस यू अपॉन वी वो बराबर हो जाएगा एफ अपॉन में वी माइनस एफ के। तो अगर हम लोग अब इतने हिस्से को सिर्फ देखें, सिर्फ इसको, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। अगर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका और इसका, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा माइनस यू वी माइनस एफ इज इक्वल्स टू एफ वी। ठीक है, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो माइनस यू वी प्लस एफ यू इज इक्वल्स टू एफ वी। अब हम लोग फोकल लेंथ को एक साथ लाने के लिए इसको उधर भेज देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा था उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो माइनस यू वी इज इक्वल्स टू एफ वी माइनस एफ यू। अब वो हो जाएगा माइनस यू वी, इसमें अगर हम लोग एफ कॉमन निकालेंगे तो वी माइनस यू। अब अगर हम लोग इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे अब मैं करे दे रहा हूँ, तो हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू माइनस यू वी अपॉन में वी माइनस एफ के। अब हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम लोग को देखिए, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस यू वी अपॉन वी माइनस यू वी अपॉन एफ। अगर हम लोग इसको सेपरेट लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, सेपरेट लिखने के लिए ये वी माइनस एफ को ऊपर जाना होगा और इसको नीचे आना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको रिसिप्रोकल कर दें, तो यानी ये हो जाएगा माइनस यू वी। अब हम लोग इसको सेपरेट लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन माइनस यू वी माइनस एफ अपॉन माइनस एफ अपॉन माइनस यू वी। सॉरी गाइज, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर असल में एफ नहीं है, यहाँ पर है यू। तो हम लोग इसको रिप्लेस करके फिर से मैं लिख देता हूँ, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन माइनस यू वी माइनस यू अपॉन माइनस यू वी। और वो मिस्टेक मुझसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ तक सब कुछ सही था, यहाँ पे v माइनस यू, फिर उसके बाद जब मैंने इसको यहाँ पर लिखा तब मैंने u की जगह धोखे से f लिख दिया था, इसी वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो गई। तो अब अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग को मिलेगा वन अपॉन f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा वन अपॉन माइनस u। ठीक है, और अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और u से u कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा वन अपॉन v। अगर हम लोग और इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखते हैं, तो वन अपॉन f इज इक्वल्स टू वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u। तो ये हम लोग को लेंस फार्मूला मिल गया, और इसी तरह से इसको डराइव किया जाता है। ये सबसे इजी वे में मैंने आपको डराइव कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने कैसे किया, एक बार मैं आपको इसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पता था कि एफ फोकल लेंथ होती है, वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर उसमें अगर हम लोग इन ट्रायंगल ए ओ बी, अगर हम लोग ट्रायंगल ए ओ बी और हम लोग ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में गौर करें, तो यहाँ पर हम लोग का एंगल बी ओ ए और एंगल बी डैश ओ ए डैश वो इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से। और फिर उसके बाद एंगल बी ए ओ और फिर एंगल बी डैश ए डैश ओ को देखें, तो वो दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पे ए ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब हम लोग को पता है कांग्रेस पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की मदद से हम लोग ए बी अपॉन ए डैश बी डैश लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ लिख सकते हैं। हम लोग को पता है कि ए ओ माइनस यू है, ए ओ माइनस यू है, ए डैश ओ वी है, और ए बी हम लोग का एच है, और हम लोग का ए डैश बी डैश वो माइनस एच डैश है। हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे और हमारी इक्वेशन वन तैयार हो जाएगी। और इसी तरह फिर यहाँ पे ट्रायंगल एक्स ओ और एफ में और ट्रायंगल बी डैश ए डैश और एफ में, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल यानी एंगल एक्स एफ ओ और एंगल ए डैश एफ बी डैश ये आपस में इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से। और इसी तरह यहाँ पर ये वाला एंगल एंगल एक्स ओ एफ और एंगल बी डैश ए डैश एफ ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। फिर से वही ए ए क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल एक्स ओ एफ वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ के।
अब हम लोग इसको और आगे लिखते हैं तो हम लोग CPST से लिख सकते हैं XO अपॉन B डैश A डैश वो बराबर होगा OF अपॉन A डैश FK। अब हम लोग को पता है कि जो XO है वो हम लोग का असल में H है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों ही हैं तो इक्वल हो जाएंगी। और फिर इसी तरह हम लोग का जो B डैश A डैश है वो हम लोग का माइनस H डैश है ये यानी इमेज की डिस्टेंस है और इमेज की साइज़ है। अब इसी तरह हम लोग को ये वाला और ये वाला भी इक्वल है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फोकल लेंथ और इसको लिख सकते हैं वी में से अगर हम लोग एफ घटा दें तो हम लोग को ये मिल जाएगा तो यहाँ यानी हम लोग ओ ए डैश को लिख सकते हैं वी माइनस एफ। वही चीज़ हमने यहाँ पर भी किया है। अब इसी तरह हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा आएगा एच अपॉन एच डैश माइनस एच डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो ये दोनों ही इक्वल आ रहे हैं क्योंकि इनके दोनों ही LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में एच अपॉन माइनस एच डैश आ रहा है तो हम लोग इसको भी इक्वल लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आगे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर मुझसे धोखे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पर F लिख दिया था जबकि यहाँ पर U होगा तो आप इसको यहाँ पे U कंसीडर करिएगा और इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस वी यू अपॉन वी माइनस यू। इसी तरह हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हम लोग को ये जो वी माइनस यू अपॉन में माइनस यू वी ना इसको हम लोग को अलग अलग करना है तो डिनोमिनेटर में जब हम लोग का मल्टीप्लाई होगा तभी हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं तो इसीलिए हमने इसका रेसिप्रोकल किया और हम लोग को कुछ इस ये मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने वी अपॉन माइनस यू वी किया माइनस यू अपॉन में माइनस यू वी होगा। अब अगर इसको हम लोग आगे लिखेंगे तो ये यू वी से वी कट जाएगा और यू से यू कट जाएगा तो हम लोग का लास्ट में निकलेगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। और इसी तरह हमने प्रूव कर दिया कि ये जो फॉर्मूला है यानी लेंस फॉर्मूला ये कैसे डराइव होता है। अगर एग्ज़ाम में आपके पूछे या फिर कोई भी आपसे पूछे तो आप यही सिंपल ट्रिक लगाएंगे और उसको आंसर देकर आएंगे। सो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसके लिए मैं आपसे फिर से सॉरी बोल रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ये डेरिवेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं इसी तरह से फिजिक्स के और मैथ्स के नए नए डेरिवेशन हमेशा लाता रहा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।